नमस्कार दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बाद लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी बंद हुआ है तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग है जो करीब 200 पॉइंट की बन सकती है वो शॉर्ट कवरिंग क्या कल के दिन में आएगी या फिर परसों एक्सपायरी के दिन आएगी ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं आज देखते हैं कितना ओपन इंटरेस्ट घटा है कॉल में क्या कॉल राइटर बैकफुट पर गए हैं या नहीं गए क्या मार्केट में दोबारा से गिरावट आ सकती है यही चीज़ देखेंगे और समझेंगे हम चलते हैं चलते से ऑप्शन चेंज डाटा पे और समझते हैं तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एन की वेबसाइट पे जहाँ पे कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं सबसे पहले क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे वन वन सेवन एट सेवन पर क्लोजिंग आई है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे देखेंगे यहाँ पे कि ग्यारह सात सौ क्या इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बनना है या फिर ये दोबारा से टूटेगा तो यहीं से स्टार्ट करते हैं देखते हैं ग्यारह सात सौ के सबसे पहले पुट की बात करते हैं देखिए पुट पर क्या हुआ है ग्यारह सात सौ की जो पुट है वहाँ पे छः लाख अड़तीस हज़ार का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है आज ही के दिन और करीब पंद्रह लाख सोलह हज़ार का ओपन इंटरेस्ट हो गया है टोटल और यहाँ पे अगर ग्यारह सात सौ की पुट की जो ये सॉरी ग्यारह सात सौ की अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ पे पंद्रह लाख सोलह हज़ार का ओपन इंटरेस्ट है अगर ग्यारह सात सौ की कॉल की बात करें तो क्या है पाँच लाख तैंतीस हज़ार का ओपन इंटरेस्ट रह गया है सिर्फ ग्यारह लाख पैंतालीस हज़ार का ओपन इंटरेस्ट घट गया है ये है शॉर्ट कवरिंग ये जो कॉल राइटर से ये है ये बैकफुट पे गए हैं उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है जिसकी वजह से मार्केट में आज इतने तेज बाउंस बैक जो मिला है दूसरी चीज़ अगर देखी जाए यहाँ पे ग्यारह आठ की वहाँ पर आप देखिए कि साढ़े नौ लाख का ओपन इंटरेस्ट टोटल ऐड हो गया इस सीरीज में और वहीं अगर मैं ग्यारह आठ सौ की कॉल की बात करूं तो कॉल पे क्या हो रखा है नौ लाख छत्तीस हज़ार का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड है पुट पे कितना है पुट पे है साढ़े नौ लाख का ग्यारह आठ सौ की पुट पे और ग्यारह आठ सौ की कॉल पे कितना है ऑलमोस्ट नौ लाख छत्तीस हज़ार का तो ये चीज़ बता रही है कि ग्यारह आठ सौ पे जाके मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है बट श्योरिटी नहीं है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पर मदद मिल रही है दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो जो हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल में वो शिफ्ट हो गया है ग्यारह नौ सौ पे दस लाख चौरासी हज़ार का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है बट पुट में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है ग्यारह नौ सौ की तो ये चीज़ बता रही है कि मार्केट की जो अप साइड है वो करीब ग्यारह आठ सौ पचास तक ग्यारह आठ सौ साठ तक ले जा सकती है मार्केट को जो कि हो सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे अचीव हो जाए या फिर एक कंटिन्यूसली सेशन में हो जाए बट ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि अगर कोई डिप आएगी तो शॉर्ट कविंग की सहायता मिलेगी और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको डिप का कर इंतजार करना है कोई भी डिप आती है उसमें आपको बाय करना है शॉर्ट करने के लिए अभी मार्केट में जगह नहीं है तो कोशिश करिए कि ग्यारह सात सौ के आसपास निफ्टी मिल रहा है आपको तो आप एक बाय करके काम कर सकते हैं दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है अब देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी आज हो चुकी है तो अब जो ओपन जो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है वो जब ही होगी जब मार्केट 11900 के ऊपर निकल जाए अगर 11900 के ऊपर निकल गया तो आपको 12000 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं बट कल का दिन परसों एक्सपायरी है तो दो दिन में ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा मूव बन जाएगा बाकी मार्केट है मार्केट कहीं पर भी जा सकता है बट आप लॉन्ग साइड पर रहिए कॉल साइड पर रहिए आप और पुट लेके काम मत करिए ये दो दिन क्योंकि अब ये मार्केट में जो सपोर्ट है वो ग्यारह सात सौ का बन रहा है ग्यारह सात सौ का बन रहा है दूसरी चीज़ है ग्यारह सात सौ पचास पर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ग्यारह लाख चौरासी हज़ार का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया ग्यारह सात सौ पचास की पुट पे तो ये चीज़ बता रही है कि ग्यारह सात सौ ग्यारह सात सौ पचास की जो रेंज है इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा यहाँ पर बार बार बाइंग आती रहेगी तो आपको इसी के बीच में जब भी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है आपको कल और परसों के दिन में तो आप यहाँ पे एक कॉल लेके काम कर सकते हैं तो आपको जोन मैंने बता दिया है कल मैंने आपको बताया था कि इस जोन में आप पुट लेके काम कर सकते हैं बिकॉज मार्केट में सप्लाई अच्छी खासी आ रही थी बट वो सप्लाई आज यहाँ पे वो पूरी जो सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब हो गई और यहाँ पे कुछ हैवी वेट बैंक दोबारा से चली हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में सब कुछ चला है मिड कैप में सेलिंग ही थी बट यहाँ पे निफ्टी के अंदर स्पेशली यहाँ पे आई बैंक एच बैंक और रिलायंस के पार्टिसिपेंट और इंडस्ट्रेंट बैंक के पार्टिसिपेंट ने निफ्टी को इतना ऊपर ले जाके यहाँ पे बंद कराया मिड कैप और स्मॉल कैप में तो सेलिंग ही थी तो अगर आप किसी मिड कैप स्टॉक में या स्मॉल कैप स्टॉक में अगर इंट्राडेट कर रहे हो तो आप उनके इंडेक्स को जरूर देख लीजिएगा अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है अगर किसी आप लार्ज हैवी वेट में काम कर रहे हो तो आप निफ्टी के साथ से उसमें काम करके देख लीजिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा निफ्टी ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक भी ऊपर आ जाएगा तो वो चीज़ हो गया यहाँ पर आपको डायरेक्शन क्या है फॉलो करनी है कि निफ्टी की लॉन्ग साइड डायरेक्शन फॉलो करनी है डिप मिलती है आपको 11700 11750 सौ तक की तब आप एक डिप का इंतजार करके उसमें बाय कॉल लेके काम कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जय हिंद